بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم स्टूडेंट्स. आज हम डिस्कशन करेंगे एनएमडी के 2020 बायोलॉजी, जो कि संडे को हुआ है, 29 नवंबर को. ठीक है, आई होप के सबका बेहतर हुआ होगा. इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको कामयाब करे. चले शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन. इधर आ गए एन एरोबिक रेस्पिरेशन. इससे बहुत से बच्चे घबरा भी जाते हैं. तो आपको मैं बताता चलूं कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में हो सकती है. इसके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी नहीं है. तो इसका आंसर जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, पायरोवेट या पायरोविक एसिड जिसे हम कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इनवेलप्ड वायरस. पहला है जी, ये हमारे पीटीबी में बिल्कुल भी नहीं इस तरह की कोई लाइन लिखी गई और ऐसा कोई एमसीक्यूज में नहीं गुजरा नजरों के सामने से, बट फिर भी जो है ना उन्होंने अगर दे दिया तो आपको जनरल करेक्टरिस्टिक्स तो पता ही है, तो आप कर सकते हैं. दे सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट टाइम. ये तो आपको पता है कि अगर विदाउट होस्ट अगर रह ले कर सके लिए ये जिंदा रहेंगे. दे आर टॉलरेंट टू एंटीबायोटिक्स, ये भी ठीक है. और इनवेलप्ड इनवेलप्ड ड्राइव फ्रॉम द होस्ट, ये भी ठीक है. तो इसका आंसर होगा बीटा. देयर इनवेलप इज सेंसिटिव टू सनलाइट. इसका कोई रोल नहीं है, ये तो एक समझिए केमिकल पार्टिकल है. और ये जो है ये बॉर्डर लाइन है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग के. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमेरस ऑप्टिमिस्टिक डिजीज माइट अटैक अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग डिजीजेस. ठीक है, देखिए मीजल, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए जो है, ये सारी डिजीजेस जो है वो एड्स के मामले में अटैक कर सकती हैं. क्योंकि एड्स के मामले में क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो डिफेक्टिव हो जाता है, कमजोर हो जाता है. जो हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो सही तरह वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल वीक हो जाती है. जो कि हमारे जो एंटीजन होता है या कोई भी हमारे जिसम के अंदर बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं तो उसे जो है वो डिफेंस नहीं कर सकते, इसकी वजह से वो और भी बीमारियां होने का खतरा होता है. इसलिए परहेज की जाए तो बचा जा सकता है. नेक्स्ट है जी, द कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल इज नोन एज. तो ये डेफिनेशन है बुक में लिखी हुई, वायरियन विनम. विनम कहते हैं जी, ये लैटिन वर्ड है, इससे ये वायरस निकला था. ये विनम का मतलब है पॉइजनस फ्लू और जीनोम का मतलब है आरएनए या डीएनए जो होता है इसके अंदर. और कैप्सिड आपको पता है प्रोटीनिशियस कोट होता है. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एचआईवी. तो इसका आंसर आपको वैसे भी बहुत ही इजी लगा होगा, इट इज अ रेट्रोवायरस. ये तो सबको पता है, ये रेट्रोवायरस है. इट इज सराउंडेड बाय एंड एनवेलप, ये भी सबको पता है. इट डज नॉट कॉज एड्स. तो ये गलत है, ये तो एड्स का मेन एजेंट यही है. ठीक है, तो ये एड्स कॉज करता है. सेलेक्ट अ मेथड व्हिच कॉज द कोएगुलेशन ऑफ द केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल. तो ये है जी ड्राई हीट. ड्राई हीट ऑक्सीजन करेगी और स्टीम को हम कहेंगे मॉइस्ट हीट. और ये करती है जी कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन इन द सेल वॉल. कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन की बात नहीं कर रही, ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. तो ऑक्सीडेशन क्या है, ड्राई हीट. फिल्ट्रेशन वो करते हैं कि जब कोई एंटीबायोटिक्स या कोई ऐसी जो होती है चीज जिनको हम बचाना भी चाहते हैं और उन्हें स्टरलाइज भी करना चाहते हैं, तो हम मेम्ब्रेन फिल्टर से उन्हें स्टरलाइज करते हैं वायरसेस वगैरह से या और बैक्टीरिया वगैरह जो भी होते हैं. और रेडिएशन कुछ ऐसे होते हैं जिनको रेडिएशन की वजह से स्टरलाइज किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल बैक्टीरिया. तो इट हैज सेल वॉल, ये भी इसकी एक फंक्शन है. इट हैज साइटोप्लाज्म, ये भी इसका एक फंक्शन है. और चार्लिए इट हैज जेनेटिक मटेरियल, ये भी इसका फंक्शन है. तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड एलजी डू नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स. तो आपको पता है कि रेड एलजी का फंक्शन है कोरल रीफ. ठीक है, ये तो इसका सही हो गया. फार्मिंग, ये इंटरलॉक डिपॉजिट लिखा हुआ है, ये भी सही है. मेकिंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बनाने में नहीं ये इस्तेमाल होता है रेड एलजी जो है. और फार्मिंग चॉक डिपॉजिट, ये भी सही है. चॉक डिपॉजिट, कोरल रीफ. ये कोरल रीफ आपको पता है कि मछलियों के शेल्टर की जगह बनाई जाती है जिनके ऊपर या जिनके अंदर जो है ना वो रह सके. ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अमीबा. दे हैव फ्लैजेला, नहीं इनके पास तो नहीं होता. दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं. दे डू नॉट कैरी ऑन डिजीजेज,
ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये करती है डिजीज, और दे मूविंग बाय फॉर्मिंग स्पेशल साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कॉल सीडोपोडिया। तो यही आपको पता है कि सीडोपोडिया इसका करेक्टरिस्टिक्स है और यही इसका मोड ऑफ लोकोमोशन है, तो यही इसका आंसर है। द डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। ये भी हमारे जो आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ था, ये दूसरा चैप्टर है सेकेंड ईयर का, ठीक है, पीटीबी में। तो उसके अंदर जो टैटिक मूवमेंट है और जो दूसरी है ना डायरेक्शनल और ट्रॉपिज्म वाली, तो उसके अंदर ये जो लाइन थी। अच्छा जी, फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक प्लेस इन द, फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब लाइट रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन किस में टेक प्लेस करता है, तो वो ग्रेनम में करता है, ग्रेनम की लेयर के अंदर। तो हम इधर ग्रेना दिया हुआ है, तो हम ग्रेना, स्टोमा में डार्क रिएक्शन, और इनर और आउटर मेम्ब्रेन, ये अजीब गरीब है। सेलेक्ट एन एमनियोटिक फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो स्नेक, पैरट, ये किंगडम एनिमिलिया से लिया गया। स्नेक, पैरट और क्रोकोडाइल जो होते हैं ना, ये एमनियोट होते हैं, और जो फ्रॉग होता है ना, ये एन एमनियोट होता है, बगैर एमनियोट। एमनियोटिक एक मेम्ब्रेन होती है जो प्लेसेंटा के गिर्द होती है, इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भी होता है। तो ये डेवलपमेंट जब हो रही होती है ना चाइल्ड की, तो तब ये बनती है, ठीक हो गया। इन रूट्स द एपोप्लास पाथवे ऑफ द वाटर डिसरप्टेड व्हेन द वाटर रीचेस, ठीक है। इसमें ये है कि जब रूट से वाटर जाता है ना, तो अंदर आता है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर आती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। उन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की वजह से जो वाटर होता है ना, उसका पाथवे जो होता है ना डिसरप्ट हो जाता है इधर उधर। मतलब देखिए, पानी जा रहा है या कोई नाली बनी हुई है, उसके अंदर अगर हम ईंट रख देंगे, तो वो जारी बात है एक इस साइड से रहेगा, एक इस साइड से जाएगा, तो दो रास्ते बन जाएंगे। तो ये इस एंडोडर्मिस के अंदर डिसरप्ट होता है। रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, कोडेड टेनिनाई आर प्रेजेंट। तो ये वेंट्रिकल्स के अंदर होते हैं, जो कि हार्ट का नीचे वाला हिस्सा होता है। जो ऊपर वाले एट्रिया होते हैं, दो एट्रिया होते हैं, दो वेंट्रिकल। जो एट्रिया होते हैं वो छोटे होते हैं, वेंट्रिकल बड़े होते हैं। तो एट्रिया के अंदर ये बने होते हैं, इनके साथ ही पेपिलरी मसल्स अटैच होते हैं, जो कि अटैच होते हैं ये वेंट्रिकल की वॉल के साथ, ठीक है। ये दोनों जो एट्रिया और वेंट्रिकल होते हैं, उनके दरमियान में जो है ना रुकावट का काम करते हैं। मतलब ये इनके समझे कि एक फ्लैप सा बना होता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि गुब्बारा भरने के लिए पंप लेते हैं या टायर का पंप है, तो हम जब हवा भरते हैं, हवा जब भरते हैं तो हवा अंदर जाती है, लेकिन जब वापस आने लगते हैं तो उसके आगे एक लेयर आ जाती है। वो ये इन्हीं मसल्स की वजह से, या कोडेड टेंडिनाई ना, इनकी वजह से जो है ना वो जो फ्लैप है ना, वो दोबारा फिर रीअरेंज हो जाता है, और जो ब्लड एट्रिया के अंदर, वो वेंट्रिकल के अंदर आता है ना, तो वो फिर दोबारा एट्रिया के अंदर वापस नहीं जा सकता। क्योंकि अगर वापस एट्रिया के अंदर चले जाए, तो जो नीचे एओर्टा होती है या बॉडी सप्लाई होती है, वो कैसे जाएगा ब्लड, जब ऊपर से बंद होगा। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, तो फिर जब कॉन्ट्रेक्शन होगी, नीचे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें फिर ये ब्लड चले जाते हैं, तो ऊपर से ब्लॉकेज हो जाती है। तो ये इनका काम होता है। द ओनली वेन इन द ह्यूमन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको पता है जो वेन्स होती हैं वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ये ब्लड लेके जाती है टुवर्ड्स द हार्ट। जब टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड लेके जाएंगी, तो जारी बात है ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा इनके अंदर, वेन्स के अंदर, ठीक है। तो जो पुलमनरी वेन्स या पुलमनरी आर्टरी है ना, वो अपने रिस्पेक्टिव फंक्शन से एंटागोनिस्टिक हैं, या अपने रिस्पेक्टिव फंक्शन से जो है ना अपोजिट काम सारा अंजाम देती हैं। जो कि पुलमनरी वेन जो है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, द वन विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग अम्यूनिटी। अम्यूनिटी आपको पता है टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट से बनती है एंटीबॉडीज। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ना, वो लिम्फोसाइट्स का है, कि ये लिम्फोसाइट्स प्ले करते हैं रोल अम्यूनिटी में, ठीक हो गया। बी लिम्फोसाइट्स खासकर जिसके जिससे वो बनती है एंटीबॉडीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स हैव हाईएस्ट ब्लड प्रेशर। प्रेशर तो ये तो आपको पता है कि एओर्टा जो है उसके अंदर हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है, और उसके बाद जब आपको पता है कि वेन्स आती हैं, वेन्स में थोड़ा कम हो जाता है, उसके बाद कैपिलरीज आती हैं, कैपिलरीज में उससे कम हो जाता है, और कैपिलरीज से फिर आगे विनियोल्स में जाके फिर भरता है, और फिर वेना के बाद ऐसे ही जो है ना ब्लड पहले डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स डिजीज, ये नम्स के अंदर भी आया हुआ था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑटो इम्यून डिजीजेस एक्ट एट द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका आंसर है सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ, जो कि पीटीबी में नहीं लिखा गया, फेडरल बुक में लिखा गया हुआ है। तो इसका आंसर है जी सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ, ठीक हो गया। आगे, इन ह्यूमन हार्ट द लेफ्ट एट्रिया रिसीव। अब आपको पता है कि लेफ्ट साइड में ब्लड हार्ट के होता है जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
राइट साइड में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको कैसे याद रखते हैं कि देखो जब लेफ्ट है वो नेगेटिव है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे पॉजिटिव रख लो। तो ये समझो कि अपोजिट जो है ना एंटागोनिस्टिक काम जो है ना वो हो रहे हैं इनके अंदर। जैसे लेफ्ट है तो उसके अंदर पॉजिटिव आएगा, राइट है तो उसके अंदर नेगेटिव आएगा, ठीक हो गया। ऐसे ही जब वो है लेफ्ट है तो उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड आएगा, राइट है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड आएगा। अब जब वेन्स की बात करते हैं तो वो तो लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन अभी हमने प्रीवियस डिस्कस किया है कि जो पल्मोनरी वेन्स होती है ना वो उनके उल्टा चलती हैं या अपोजिट काम सर अंजाम देती हैं, ठीक है। तो इसमें अब ये डेल्टा आंसर बन रहा है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक हो गया। एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन, ये धोखा देने वाला लफ्ज लिखा हुआ है, ठीक है। देखो इन इनकी बात आ गई है तो इन होगा रेड ब्लड सेल, अगर वो होता जी एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम तो फिर हम लगाते बी लिम्फोसाइट, इससे बनती है। अब उन्होंने कहा इन किसके अंदर बनती है तो फिर हम कहेंगे सिंपल रेड ब्लड सेल। इस वजह से जो है ना बहुत से बच्चों का हुआ होगा, ठीक है, और उन्होंने ये बी लगा दिया होगा। नेक्स्ट है जी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेटेड एट द ईच पेयर ऑफ द अलील असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर इन द अलील इन गमेट फॉर्मेशन, ठीक हो गया, यही इसका करेक्ट आंसर है। बहुत से बच्चों को ये भी डाउट हो सकता था। अब ये स्टेटमेंट तो ठीक है डेट अलील ऑफ ईच पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट हैव, यहाँ से आगे गलती हो जाती है, यहाँ आना चाहिए था इक्वल, इधर लिखा अन इक्वल प्रॉबेबिलिटी, तो ये यहाँ से आगे गलती होगी और बकाया सारा ठीक था। आगे है जी फिनोटाइप। फिनोटाइप इज अ फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ, ये तो आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, जेनेटिक कम्प्लीमेंट जो ए में लिखा हुआ है इसका, तो आपको पता है कि ये कहते हैं जीनोटाइप को, और पार्टनर ऑफ जीन पेयर जो है उसे आप कहते हैं अलील, और जो पोजीशन ऑफ जीन है उसे कहते हैं लोकस, ठीक हो गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या डिफरेंट अलील्स ऑफ जीन्स आर बोथ एक्सप्रेस्ड इन हेटरोजाइगस कंडीशन, ठीक हो गया। और जो है दूसरा है जी वन अलील इज कम्प्लीटली डोमिनेंट, ये कम्प्लीट डोमिनेंट है, डिफरेंट अलील्स ऑफ जीन्स आर बोथ एक्सप्रेस्ड इन हेटरोजाइगस कंडीशन, ये को डोमिनेंस है, ठीक हो गया। और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना वो चार्ली आंसर बनता है। द फिनोटाइप ऑफ द हेटरोजाइगोट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द होमोजाइगस, मतलब ये कि देखें आपने इसकी एग्जांपल पढ़ी है कि व्हाइट है ना, व्हाइट फ्लावर और रेड फ्लावर को जब हमने कंट्रास्ट करवाया तो क्या बन गया, पिंक बन गया। अब पिंक क्या है कि जो इंटरमीडिएट है उनके दरमियान में, ठीक है, एग्जैक्ट वो नहीं है लेकिन इंटरमीडिएट है, तो उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेट, कि मतलब कोई भी कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं आया, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जीन म्यूटेशन, ये तो आपको पता ही है। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन बोथ मैसेंजर आरएनए एंड डीएनए मैमेलियन सेल। अब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये आता है जी डीएनए के अंदर, राइबोस शुगर ये आती है आरएनए के अंदर, थायामीन ये आता है डीएनए के अंदर, तो फिर आंसर क्या बचता है शुगर फास्फेट बैकबोन, ये वही जो फास्फेट आयस्टर लिंकेज बना होता है न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए, ये वो चीज़ है, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये है जी द सेल्स इन अवर बॉडी आर ऑल जेनेटिकली आइडेंटिकल अपार्ट फ्रॉम, कुछ सेल को छोड़ के बकाया जितने सेल हैं वो सारे। अब ये सोमेटिक सेल हैं ये भी सेम होते हैं, मसल सेल्स ये भी सेम है, ये भी सेम है। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं ये आपको पता ही जर्म लाइन सेल होते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर एन एन होता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मिलके तो फिर क्या बनाते हैं जाइगोट वगैरह, रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है ना वो अलहदा होते हैं स्पर्म या ओवम, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इन ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस विच एन आरएनए कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड कोडिंग द जीन इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड, तो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आपको पता है कि रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो जो ह्यूमन के केस में जो होते हैं या मैमल्स के केस में तीन होते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3, और बैक्टीरिया में एक ही होता है, ठीक हो गया। और डीएनए ट्रांसक्रिप्टेज ये तो ये वाला ट्रांसक्रिप्शन में नहीं यूज होता, आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है, और जो है आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज ये भी नहीं यूज होता, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में यूज होता है, और ये हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। द पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम दैट एन इंडिविजुअल पोजेस इन इज कॉल्ड इट्स, तो पर्टिकुलर अरे ये आपकी बुक की लाइन है पीडीबी में लिखी हुई है, तो ये है जी कैरियोटाइप, ठीक हो गया। फिनोटाइप फॉर्म एंड अपीयरेंस, जीनोटाइप जेनेटिक कम्प्लीमेंट, और अलील आपको पता है कि पार्टनर ऑफ द जीन, ठीक हो गया। ड्यूरिंग मियोसिस द होमोलोगस क्रोमोसोम कम्स टुगेदर एंड फॉर्म पेयर्स, दिस इज कॉल्ड पेयर्स, जब बनाते हैं तो ये आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ था एमसीक्यू, ठीक है, तो ये साइनेप्सिस होता है, लेकिन ये कि ये आउट ऑफ सिलेबस था, बहुत से लोगों को ये लिंकेज लगा होगा या पेयरिंग लगा होगा,
ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर में तो आपको पता है कि वो होता है ओवरलैप होके, तो उनके सेगमेंट्स चेंज होते हैं, इसका कोई रोल नहीं। ठीक है, तो जो पेयरिंग है और लिंकेज है, इसमें बहुत से लोगों ने इसको करेक्ट किया होगा, ठीक है, लेकिन ये है साइनाप्सिस, क्योंकि अब इसके बारे में पढ़ा ही नहीं था, पहले पढ़ा था कुछ कुछ, लेकिन फिर जैसे ही सिलेबस चेंज हुआ तो नहीं था पढ़ा, बस ये इनके ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ओके, एट व्हाट फेज द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल इज डबल, तो इसका आपको पता है कि जो हमने सेल फेजेस पढ़ी थी, इंटरफेज में थी, सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज में रेप्लिकेशन हो रही थी, ठीक है, डीएनए की, तो जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन सारी बात है, उसका डीएनए कॉन्टेंट ही बढ़ रहा है ना। नेक्स्ट चलते हैं। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द डीएनए, ठीक है, इट प्रोड्यूस अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड तो तब बनेगा जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, उसके बाद अमाइनो एसिड बनेंगे ट्रांसलेशन के नतीजे में, ठीक है, तो इट प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए, ये हम कह सकते हैं। इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन डीएनए सिंथेसिस, इंक्रीज इन डीएनए सिंथेसिस तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन में तो आरएनए बनेगा, डीएनए सिंथेसिस इंक्रीज कैसे होगी, और इट इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल या प्रोसेस, तो ये भी उसका है डीएनए का है ना कि आरएनए का, ठीक हो गया, इट प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए। अच्छा जी, विच थ्योरी सेज दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज इन अफेक्ट एंशियंट बैक्टीरिया विच नाउ लिव इनसाइड द लार्जर सेल्स, तो इसका आपने पढ़ा होगा कि एवोल्यूशन वाले चैप्टर में एंडोसिम्बायोन्ट थ्योरी थी, जिसके अंदर कह रहे थे कि एनएरोबिक जो बैक्टीरिया है वो जब अमीबा को इंजेस्ट करेगा और उसे डाइजेस्ट करने की बजाय उसे अगर इंस्टेड उसे रख ले वैसे ही, तो उसने क्या किया कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर दी, और वो जो अमीबा था वो उसका माइटोकॉन्ड्रिया में तब्दील हो गया, फिर उसने जब स्पायरोचीट की बात की, स्पायरोचीट उसने इनगल्फ किया तो उसके अंदर फ्लैजेला बन गया, और ऐसे ही जो है ना ये जो बैक्टीरिया जो है ना इसके अंदर इवॉल्व हुआ था, ठीक हो गया। आगे, द ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन, सिमिलर इन फंक्शन बट डिफर इन स्ट्रक्चर, अब इसकी क्या है डिफर इन स्ट्रक्चर, आपने ये इस तरह की कोई स्टेटमेंट लगाना है तो स्ट्रक्चर में देखना है, डिफर इन स्ट्रक्चर है, तो डिफर इन स्ट्रक्चर हमने जैसे अलील्स में पढ़ते थे कि जो सेम अलील होंगी उसे हम कहेंगे होमोजाइगस या होमोलोगस, तो जो दूसरी होंगी डिफरेंट होंगी उसे हम कहेंगे हेटरोजाइगस, ठीक हो गया। अब इधर क्या है जी, डिफर इन स्ट्रक्चर, तो इनके अंदर हमने पढ़े थे होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन, तो जब डिफर इन स्ट्रक्चर होंगे तो फिर एनालोगस ऑर्गन होंगे, अगर सेम इन स्ट्रक्चर होंगे तो होमोलोगस ऑर्गन, बस ये होमोलोगस, लोगस का मतलब होता है कि जैसे हम लोगो वगैरह बनाते हैं ऐसे कोई शक्ल टाइप, ठीक है, शेप टाइप। अच्छा जी, आगे चलते हैं। डैश अकर्स बिकॉज द नेचुरल सिलेक्शन गिव सम एलील्स अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल देन द अदर्स, अब ये इसका आंसर है जी एवोल्यूशन, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगी होगी लाइन, इसमें ये कि जैसे अलील है, अलील जैसे जैसे इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है, अगर उसे सर्वाइवल का चांस बेटर मिलता जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो सिंपल से कम्प्लेक्स में तब्दील हो ही जाता है, हो ही जाता है, और आखिर ये इस जो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाना है इसे हम कहते हैं एवोल्यूशन, और ये एवोल्यूशन होती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है, ये आपको पता है कि डिजायर जो हम बायोटेक्नोलॉजी से करते हैं, और क्रॉसिंग ओवर का भी आपको पता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, 54, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। द डीएनए डेट हैज बीन ऑल्टर्ड एंड विच नाउ कंटेन्स लेंथ ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो ये बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही इजी एमसीक्यू है, तो इसका है जी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कंबाइंड डीएनए कोई नहीं था पढ़ा हमने, ये पढ़ा था जी कंप्लीमेंट्री डीएनए, ठीक हो गया, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से बनता था, और प्लास्मिड वेक्टर है, और वेक्टर वेक्टर वैसे ही लिख दिया हुआ है, तो इसका आंसर था रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं तो 55, इसका है जी द मेथड फॉर द रैपिड प्रोडक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ द डीएनए पर्टिकुलर फ्रेगमेंट, तो इसका है जी पीसीआर, पीसीआर आपको मतलब मिलियंस ऑफ द कॉपीज ऑफ डीएनए बना सकते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका एक एमसीक्यू आता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर क्या है कि इसको करते हैं जी लेंथ मास वेट के हिसाब से जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है ना उनको अलग-अलग किया जाता है, ये रैपिड्स वगैरह को मतलब देखने के लिए, पकड़ने के लिए, या इसकी ये एप्लीकेशन है, ठीक हो गया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक एमसीक्यू आता है कि उसके अंदर लिखा होता है कि जो है ना सेपरेशन ऑफ डीएनए कंपोजिशन की बेस पे, तो कंपोजिशन की बेस पे नहीं कर सकते, कंपोजिशन जो होती है वो सबकी सेम ही होती है, बस उसके अंदर लेंथ या मास या वेट का जो है ना वो आ जाता है, और ये रिकम्बिनेशन और ये हम ही है। नेक्स्ट चलो जरा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज, अब डीएनए लाइगेज, लाइगेज से आपने याद रखना कि लाइगेज समझो ग्लू है, ठीक है, जब ग्लू होगी तो जारी बात है ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ेगी, और ये कब जोड़ती है, जब आपको पता है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं डिसकंटिन्यूस जो होती है ना रेप्लिकेशन, उसके अंदर जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं ना उनको ये जोड़ता है डीएनए लाइगेज, और डीएनए ब्रेकअप एट स्पेसिफिक साइट्स, ये आपको पता है कि ये वो करता है
हेलिकेज करते हैं डीएनए ब्रेकअप, और स्पेसिफिक साइट अगर आ जाए तो फिर आपको पता है कि एंडोन्यूक्लियस जो भी है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक हो गया, EcoR1 जिसे कहते हैं हम। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज करता है, ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट्स इन द टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। देखो, जीन ऑफ द इंटरेस्ट ये भी है, मॉलिक्यूलर सीजर ये भी है, और ये है जी मॉलिक्यूलर ग्रो एंड एक्सप्रेशन सिस्टम। तो ये ऑल ऑफ अबव इसका आंसर था, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, राइट। नेक्स्ट है जी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द टेक्निक। अब ये दोबारा आ गया। अब देखो, इंप्लाइड बाय द फोरेंसिक साइंटिस्ट टू असिस्ट इन द जो लेबोरेटरी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रैपिस्ट इन रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ डीएनए। डीएनए की मदद से जो है हम रैपिस्ट या जो क्रिमिनल्स हैं उनको हम पकड़ सकते हैं, ये उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। हमने टेक्निक देखनी है, तो टेक्निक के लिए फिर हमें कलेक्शन ऑफ ऑल जीन्स फाउंड इन द काउंटर पार्ट। ये कलेक्शन आपको पता है कि ये जीन पूल है। अच्छा जी, इट इज द टेक्निक टू सेपरेट डिफरेंट साइज ऑफ फ्रेगमेंट। देखा, ये आ गया, डिफरेंट साइज ऑफ फ्रेगमेंट आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी, मैस आ जाएगी, लेकिन कंपोजिशन आएगा तो वो गलत होगा। कंपोजिशन सेम होती है डीएनए की। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स have a foreign gene inserted into them, have an important role in the large scale production of the medical drugs, or are considered beneficial to humans. तो ये all of above है, transgenic organism all of above, ठीक हो गया। Which of the following is necessary for PCR to occur? ठीक हो गया। इसके अंदर है जी DATP, ये necessary है। Primers ये necessary है। DNA fragments ये necessary है। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का इसके अंदर कोई रोल नहीं। जब डीएनए जो होंगे फ्रेगमेंट्स होंगे तो उनके अंदर तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स तो नहीं होंगे, उनके तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे। इन विच टाइप ऑफ सेल्स सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट। तो आपको पता है कि प्लांट्स में होती है, जो कि सेलुलोज से बनी होती है, फंजाई में होती है, काइटन से बनी होती है, और बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन से होती है। और इसके अंदर जो आर्चियो बैक्टीरिया उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन्स ग्लाइको प्रोटीन से बनी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। तो लिवर सेल जो है ये एनिमल सेल है, और आपको पता है कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, सेवेंटी एस साइज राइबोसोम आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ। देखें, एल्जी जो है इन्हें हम कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। फंजाई, फंजाई आपको पता है इनके अंदर भी जो यूक्रियाटिक होते हैं ये भी, ठीक है। और प्रोटोजोआ ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अब ये भी यूक्रियाटिक हैं, ये भी यूक्रियाटिक हैं, और ये भी यूक्रियाटिक है। 70S जो होते हैं ये प्रोक्रियाट्स में होते हैं, तो फिर हमारे पास प्रोक्रियाट कौन सा बचा है, बैक्टीरिया। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज एम्बेडेड इनसाइड। तो देखें, हाइड्रोफोबिक जो होता है इसे कहते हैं हम वाटर हेटेड, और जो हाइड्रोफिलिक होता है वाटर लवर, और ग्लोबुलर और ये फिलामेंटस ये वैसे उन्होंने एमसीक्यू बढ़ाने के लिए वैसे लिख दिया, ठीक है। तो जो इनसाइड पे जो होता है ना एम्बेडेड, वो होता है हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफिलिक बाहर की तरफ होता है। नेक्स्ट चलते हैं, द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग वैक्यूल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, ठीक है। क्रिस्टी क्रिस्टी भी नहीं है, ठीक है, वैक्यूल्स की बात हो रही है ना, और सिस्टर्नी भी नहीं है। तो जो वैक्यूल्स की आपको पता होगा, दूसरे चैप्टर में लिखा हुआ है, वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो टोनोप्लास्ट होती है। ये भी इन्हें नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि ये भी आउट ऑफ सिलेबस उधर लिखा, वैक्यूल्स ये टोनोप्लास्ट लिखा हुआ है दूसरे चैप्टर के शुरू में, ठीक हो गया। तो दूसरे चैप्टर के शुरू में ये लिखा हुआ है, जहाँ की सेकेंडरी ग्रोथ है ना उसके बाद लिखा हुआ है एंड पे करके, तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस ही आ गया। अगर सेलेक्ट वन विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेटाबोलिज्म ऑफ लिपिड करता है, और ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल करता है, प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स ये नहीं करता, और यही करेक्ट आंसर है, ठीक हो गया। प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है गोल्गी एपरेटस में। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनेली आर इन्वॉल्व्ड, सॉरी एक्सक्यूज मी, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनेली आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो कि हमें बहुत से लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता, और बुक में भी नहीं लिखा हुआ ये प्लांट सेल वॉल, लेकिन ये फेडरल की बुक में वाकई लिखा हुआ है ये, ठीक है। और लाइसोसोम आपको पता है इसके अंदर होते हैं जी एसिड फास्फेटेसिस, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका आपको पता है कि क्या फंक्शन सर अंजाम देता है, आपको पता है कि ऊपर भी पढ़ा है इसके बारे में। और प्रोक्सीसोम भी प्लांट्स में होते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर हेल्प टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द
लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकता, स्पेसिफिक हीट इसका तो कोई तल्लक ही नहीं है, और कोहेंशन टेंशन ये भी बिल्कुल भी नहीं इसका कोई तल्लक है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए जब हम पानी के अंदर ऑयल डालते हैं तो ऑयल आपको पता है पानी के ऊपर आ जाता है, ऐसे जब ये हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेट है, तो वाटर हेट मतलब ऐसे एक्सक्लूजन होगी तो फिर ही उसकी इंटीग्रिटी रहेगी, अगर ये एक्सक्लूजन ना होती तो वो भी कोलैप्स कर देता। नेक्स्ट चलती है, विच आर द फॉलोइंग वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा था। हीटा वेपराइजेशन, ये तो वैसे ही एक ज्यादा चीज है। हाइड्रोजन बर्निंग, ये भी कोई नहीं। हाई पोलैरिटी, हाई पोलैरिटी आपको पता है कि हाई पोलैरिटी की वजह से ये क्या करता है कि बहुत सी चीज़ों को डिजॉल्व कर लेता है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं कि बहुत सी चीज़ों को डिजॉल्व कर लेता है। इसके अंदर जो आपको पता मैकेनिज्म होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक हो गया, तो इसके अंदर ये लाइक डिजॉल्व लाइक मैकेनिज्म होता है, इसलिए ये हाई पोलैरिटी की वजह से इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। आगे है जी, लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट बिकॉज ऑफ, ठीक है, तो इसका है ये बुक की लाइन है हाई प्रोपोर्शन ऑफ सी एच बॉन्ड। इसके अंदर आता है कि एनर्जी रिच जो कंपाउंड है वो लिपिड है, और एनर्जी एफिशिएंट जो कंपाउंड है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कि मतलब हमें राउंड द क्लॉक बहुत जल्दी एनर्जी चाहिए तो वो ग्लूकोज टूटेगा और हमें एटीपी मिलेगी। जो एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं ना वो लिपिड्स होते हैं, ये याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पाल्मिटिक एसिड, बिटेरिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये सारे सेचुरेटेड है, ओलिक एसिड रह जाता है जो कि ये दूसरे चैप्टर में है, और आपको पता है कि इसके कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, राइट, तो इस वजह से जो है इसे हम कहते हैं अनसेचुरेटेड। मोनोसेकेराइड्स है, वह जनरल फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय, ये आपको पता होना चाहिए, ए वाला है CnH2O(N), ये बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक हो गया, डायरेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, NAD इज एन एग्जाम्पल ऑफ, NAD का मतलब ये देखो निकोटीन अमाइड डाइनिक्लोटाइड, ये डी की वजह से डाइनिक्लोटाइड है, तो इसको हम कहेंगे कि ये डाइनिक्लोटाइड है, और इसको हम एंजाइम के केस में जो है वो कहते हैं को एंजाइम, को एंजाइम, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक एंड की मॉडल फॉर द एंजाइम एक्शन प्रपोज्ड बाय द एमिल फिशर स्टेटेड दैट। अब इसके अंदर जो है पहला पहला इसका आंसर है ए वाला, ठीक है, एंजाइम आर अनबायस्ड फॉर द सबस्ट्रेट, अनबायस मतलब ये कि ये अपने आप को मॉडिफाई नहीं करेगा, ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर है, और यही इसका आंसर है और यही उसकी स्टेटमेंट थी, बस इधर उन्होंने अनबायस्ड दे दिया, इसकी वजह से थोड़े बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक है। और एंजाइम कैन मॉडिफाई देयर फॉर द मॉडिफाइड देयर एक्टिव साइट जो है, तो ये उसका है जो कि कोचलैंड ने दिया था इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम, उसका ये पास्टुलेट है, और एंजाइम आर कैटलाइज या रिस्ट्रिक्टेड टू वन टाइप ऑफ रिएक्शन, ये वगैरह ये कोई नहीं है, ठीक है। आगे जी, मोस्ट ऑफ द एंजाइम हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ अराउंड, ठीक है, तो आपको पता है कि जब ह्यूमन की बात करें तो उसका जो अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री, ठीक हो गया, 37, ये तो इसके नजदीक जो है वो है 40 डिग्री तक, 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है एंजाइम वो वर्क कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इनका मैक्सिमम मैक्सिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री है। एंजाइम वर्क बाय लोअरिंग द डैश ऑफ द रिएक्शन, आपको पता है कि आपने बायो में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, कि ये एंजाइम्स जो होते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं और फिर रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, हीट कैपेसिटी और पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे डिफरेंट रिस्पेक्ट्स हैं। अच्छा, आगे क्या, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल इज फाउंड, तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड पहले तो बनता है, इमीडिएटली बनता है जी अनस्टेबल कंपाउंड, और वो उसी दौरान ही एकदम तब्दील होकर स्टेबल कंपाउंड बन जाता है, थ्री फास्फोग्लिसरेट, जो अनस्टेबल कंपाउंड होता है वो 6 कार्बन होता है, ये थ्री फास्फोग्लिसरेट 3 कार्बन वाला बन जाता है, ठीक हो गया, तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, यू नो के ये इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है जो कि हमें मिलता है ग्लूकोज की शक्ल में, वो जब तब बनेगा जब 2 केल्विन साइकिल होंगी तो ग्लूकोज की शक्ल में मिलेगा, वैसे ही इसे हम कहते हैं ट्रायोज बनती है, ठीक है। और जो 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट है, ये 3 फास्फोग्लिसरेट के अंदर 6 मॉलिक्यूल होते हैं, 3 फास्फोग्लिसरेट इसके अंदर 6 एटीपी आती हैं,
और ये 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट के 6 मॉलिक्यूल बनते हैं, और राइबुलोज बिस्फॉस्फेट ये रीजनरेशन फेज में जो कैल्विन साइकिल के उसके अंदर बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबुलोज? ठीक है, राइबुलोज का क्या फंक्शन है? तो ये राइबुलोज आपको पता है कि ये फोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट होता है, ये जो चैप्टर नंबर 11 है उसके अंदर से लिया गया, ठीक है, और कंपोनेंट ऑफ डीएनए और आरएनए ये भी नहीं हो सकता, इंटरमीडिएट इन सेलुलर रेस्पिरेशन ये भी नहीं हो सकता, और रेस्पिरेटरी फ्यूल ये भी नहीं है, ये इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस होते हैं, राइबुलोज आपको पता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट नीड पाइरूविक एसिड एज एक्टिवेशन या आगे लवलीस है? ठीक हो गया, इसका आंसर था जैसे देखें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है इसके अंदर तो पाइरूविक एसिड यूज होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन है इसके अंदर भी यूज होता है आपको पता है, लैक्टिक एसिड है फर्मेंटेशन है इसके अंदर भी आपको पता है कि जो पाइरूविक एसिड है उसके अंदर जब हम डालते हैं NADH2 तो NAD में तब्दील होके तो जो लैक्टिक एसिड बन जाता है। ऐसे ही जो कैल्विन साइकिल है, कैल्विन साइकिल में आपको पता है कि हमें 3 GP मिलती है, ठीक हो गया, या G3P ग्लाइसरल डी फॉस्फेट, ठीक है, और वही इसका प्रोडक्ट होता है, तो इसके अंदर जो है ना पाइरूविक एसिड नॉट नीड, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? तो ये प्लास्टोसायनिन है चार्ली, ठीक हो गया, पीसी, पीसी से इसे जाहिर किया जाता है और सी से ही कॉपर बनता है और सी से ही प्लास्टोसायनिन, ये सायनिन जो है सी से ही है। और ये भी एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज मोस्ट कॉमन इन बैक्टीरिया एंड ह्यूमन? तो ये है जी ये साइटोक्रोम सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी आ सकते हैं आपको। नेक्स्ट है जी, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एटीपी सिंथेसिस टेक प्लेस फ्रॉम? देखिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है फोटोसिस्टम टू का, टू प्लास्टोकोनिन, यहाँ तो एटीपी नहीं बनती, ठीक है, पहले प्राइमरी एक्सेप्टर से जाती है प्लास्टोकोनिन, फिर प्लास्टोकोनिन से जाती है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम में बनती है एटीपी, फिर साइटोक्रोम से जाती है प्लास्टोसायनिन, और प्लास्टोसायनिन से फिर जाता है फोटोसिस्टम 1 में, ठीक है, और फिर उधर से फरीडोक्सिन में जाती है, फरीडोक्सिन में से जाके एनएडी रिडक्टेज में जाती है, और रिडक्टेज में जाके एनएडीएच बनता है, तो जो हमें एटीपी मिलती है वो तो हमें मिलती है कि जब प्लास्टो क्विनीन टू साइटोक्रोम्स में जाती है तब जाके हमें मिलती है, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग राइजेस, राइजेस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मतलब ये कि गर्मी बहुत ज्यादा हो जाए बाहर, तो क्या होता है कि वैसो कंस्ट्रिक्शन तो नहीं हो सकती, वैसो कंस्ट्रिक्शन तो सर्दियों में होता है कि ये हमारी ब्लड वेसल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जब कंस्ट्रिक्ट हो जाती है तो इससे क्या होता है कि जो लॉस ऑफ हीट है ना वो कम होता है और हमारे बॉडी में रहती है, हमारा बॉडी गर्म रहता है, मतलब ये कि उसका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। शिवरिंग, शिवरिंग भी तब होगी जब टेम्परेचर लो होगा, ठंड लगेगी तो शिवरिंग पैदा होगी, नॉन शिवरिंग भी होती है और शिवरिंग भी होती है, जो शिवरिंग होती है हम मसल की मूवमेंट से करते हैं, खुद ही करते हैं, जैसे भाग दौड़ करना, ये वो जिसम मतलब गर्म जिसम हो जाता है, जैसे हम लोग भागते हैं तो जिसम हमारा गर्म होता है, ठीक है, मसल्स की मूवमेंट से। और जो नॉन शिवरिंग होती है वो हार्मोनल होती है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं, जैसे कि थायरोक्सिन है उसका, वो जो है स्टेबलाइज करती है टेम्परेचर को बॉडी के, और राइजिंग हेयर, बॉडी हेयर्स, तो ये भी आपको पता है कि ये सर्दियों में होता है जिसे हम कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, तो इस जो एमसीक्यू का आंसर है वो वैसो डायलेशन है। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये जो है द एक्सक्रीशन ऑफ द हाइपरटोनिक यूरिन इन ह्यूमन आर एसोसिएटेड विद ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ये तो आपको पता है ये फिल्ट्रेट करवाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले, आपको पता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सोडियम जो है वो रिलीज होता है और सोडियम की अपटेक होती है एल्डोस्टीरोन की मदद से, और जो हाइड्रोजन है वो रिलीज होता है जो कि पीएच को मेंटेन करता है ब्लड की, कि ज्यादा गर्म ना हो या अल्कलाइन ना हो, ठीक है, और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में वाटर रीअब्सॉर्प्शन होती है एडीएच की मौजूदगी में, तो एडीएच की मदद से, तो इसका आंसर है जी बीटा वाला, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ये इसका आंसर है जो कि कंसेंट्रेटेड यूरिन में मदद करता है। नेक्स्ट है, पहले मैं इसे करेक्ट कर लूं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, इन ह्यूमन द टेम्परेचर रेगुलेशन कंट्रोल सेंटर इज लोकेटेड इन, टेम्परेचर रेगुलेशन कंट्रोल सेंटर या थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी आपको पता है कि किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस को, तो हाइपोथैलेमस ना तो किडनी में होता है, ना लंग्स में, ना लिवर में, बहुत ही इजी एमसीक्यू होता है, ब्रेन में होता है, ठीक हो गया, ब्रेन में होता है। ब्रेन,
नेक्स्ट है एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, मैनी केमिकल्स प्रोड्यूस अमोनिया फ्रॉम द एक्सक्रीशन बाय द किडनी और प्रोड्यूस द यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द नाइट्रोजनस नाइट्रोजन ऑफ द अमाइनो एसिड। तो इसका आंसर है जी ऑल ऑफ अबव। ये सारा, ये भी लिवर का काम जो लिखा गया है चैप्टर नंबर फर्स्ट में, जो कि सेकेंड ईयर का चैप्टर फर्स्ट है, वैसे तो वो बनता है चैप्टर नंबर 15, ठीक है, जो सेकेंड ईयर की बुक में जो चैप्टर फर्स्ट है ना, उसके अंदर लिवर के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है। द एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम, इसकी बात हम कर रहे थे, जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में होते हैं, ये एल्डोस्टेरोन की मदद से होता है, ये भी नब्ज में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर कंसिडर्ड एज अ वोलेंट्री मसल्स। वोलेंट्री मसल्स कौन से हैं, आपको पता है कि जो हमारे अंडर कॉन्शियस है, अंडर कंट्रोल है, स्केलेटल मसल इन्हें कहते हैं, स्मूथ मसल्स जो होते हैं और कार्डियक मसल्स हैं, ये हमारे वोलेंट्री नहीं है, ये हार्ट में होते हैं, और स्मूथ मसल ये विस्रा में होते हैं, मतलब ये कि जो हमारे अंदरूनी जो हमारी एलिमेंट्री केनाल है या जो भी हमारी जो इंटेस्टाइन है उनके अंदर जो मसल्स होते हैं ये वो है। नेक्स्ट चलते हैं जी 87। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मायोजेनिक टाइप्स ऑफ मसल्स। मायोजेनिक टाइप्स ऑफ मसल्स, इसके अंदर बहुत से बच्चों को मतलब परेशानी आई होगी क्योंकि ये हमारी बुक में भी नहीं लिखा हुआ। हमारी बुक में सिंपल जो पीटी भी है सेकेंड ईयर की, उसके लिए कार्डियक मसल या स्केलेटल मसल या स्मूथ मसल की डेफिनेशन या उनकी जो है डिफ्रेंसिएशन बताई गई है, ये मायोजेनिक टाइप नहीं बताया गया। तो मायोजेनिक टाइप से ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे हम हार्ट की जब पढ़ते हैं तीन लेयर्स हैं, एक है जी मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक हो गया। तो इनके अंदर ये जो मायोकार्डियम है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो मायोजेनिक टाइप ऑफ मसल्स मौजूद होते हैं, और स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल्स ये आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट डू वी कॉल द सेल सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर। तो सेल सरफेस जिसे कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सार्कोलिमा है मसल फाइबर की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है सेल की जनरल जो मेम्ब्रेन है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और एक्सोलिमा आपको पता है कि एक्सॉन्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं, या न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को एक्सोलिमा कहते हैं। सार्कोप्लाज्म जो है ये मसल का फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म की तरह, और मायोफिब्रिल आपको पता है कि मसल का एक कंटेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन एज बोथ न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन। अब इसके अंदर डिक्रीजिंग ओवर परसेप्शन ऑफ पेन, इसके अंदर जो है बच्चों को ये गलती लगी होगी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन, ठीक है, ये एंडो जो एपिनेफ्रीन है ये भी यही काम सर अंजाम देते हैं। एपिनेफ्रीन न्यूरोट्रांसमीटर भी है, और आपको पता है कि एड्रिनल मेडुला में जो ये काम सर अंजाम देता है स्ट्रेस सिचुएशन में, या डायलेट करता है ब्लड वेसल को, या ऐसा वैसा, ठीक है। सेरोटोनिन और डोपामाइन भी आपको पता है कि जैसे वो पार्किंसन डिजीज है उसके अंदर डोपामाइन की कमी हो जाती है, तो डोपामाइन रिलीजिंग सेल जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसकी वजह से ये डिजीज होती है पार्किंसन डिजीज। एंडोर्फिन्स ये हमारी पीटीबी की बुक में नहीं है लेकिन फेडरल की बुक में होगा, और यही इसका करेक्ट आंसर है। डिक्रीजिंग ओवर प्रिसेप्शन ऑफ पेन, ये इसकी वजह से जो है ये आंसर करेक्ट है इसका, ठीक है। एपिनेफ्रीन जो है न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स तो है, लेकिन ये स्ट्रेस सिचुएशन में जो है इसका रोल प्ले करता है अपना, इस जो सिचुएशन है उसके अंदर नहीं करता पेन प्रिसेप्शन में। नेक्स्ट है जी विच बॉडी फंक्शन इज कंट्रोल थ्रू द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये फेडरल की बुक्स में है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आते हैं जी बॉडी लेबर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है चाइल्ड बर्थ की, जब हो रही होती है चाइल्ड बर्थ तो उसके दौरान बॉडी टेम्परेचर और ये थायरॉक्सिन, आपको पता है कि ये थायरॉक्सिन और ये बॉडी टेम्परेचर नेगेटिव फीडबैक है, ठीक हो गया। और ये इंसुलिन प्रोडक्शन ये भी नेगेटिव, मतलब ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है ना ग्लूकोज और ये, अच्छा ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन इन ऑल न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स के अंदर कईयों के अंदर श्वान सेल्स नहीं होते, ठीक है, कईयों के अंदर जो नोड ऑफ रेनवियर नहीं होते, कईयों के अंदर माइलिन शीथ नहीं होती, तो फिर कॉमन क्या हो सकता है, सेल बॉडी हो सकती है विच कंटेन न्यूक्लियस, ये कॉमन हो सकता है सबके अंदर, सेल बॉडी तो होती है जिसे सोमा भी कहते हैं हम लोग। न्यूरॉन्स आर द सेल अडॉप्ट फॉर द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस, डू दिस दे हैव अ लॉन्ग थिन प्रोसेसेस। लॉन्ग थिन प्रोसेस इन्होंने रखा हुआ है कि जिसकी वजह से ये करते हैं, तो लॉन्ग थिन प्रोसेस की वजह से हम कहते हैं कि ये एक्सॉन है जिसकी वजह से ये काम। डेंड्राइट्स होते हैं तो लॉन्ग भी होते हैं कहीं, लेकिन ये ज्यादा होते हैं, आपको पता है कि तादाद में ज्यादा होते हैं ब्रेन में, तो ब्रेन के हवाले से अगर की जाए या ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर तो ब्रश लाइक होते हैं, जो भी लॉन्ग थिन प्रोसेसेस जो हैं वो हम एक्सॉन्स को कहेंगे जो कि ट्रांसमिशन करवाते हैं, और श्वान सेल या माइलिन शीथ
ये भी एग्जॉन के ऊपर होते हैं, लेकिन कई एग्जॉन ऐसे होते हैं जिनकी ना माइलेज चेंज नहीं होती, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है ना वो एग्जॉन है। अ डैश इज अ जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स आपको पता है ये बुक की लाइन है, साइनेप्स है। और नेक्स्ट विच वन आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द चेंजेस अकर टू ओवर ओवर द ओवरी, ओवरी लिखा हुआ शायद ये थोड़ी सी लाइन, अगर द यूट्रस अप्रोक्सीमेटली एवरी 28 डेज इन्वॉल्विंग द ओव्यूलेशन ब्रेक डाउन एंड द लॉस ऑफ द, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ, ऑफ द यूट्रस। ठीक हो गया, ये 28 डेज जो है इससे हमें अप्रोक्सीमेट पता लगता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डे की होती है, और यही इसका आंसर हो सकता है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन तो आपको पता है कि 3 मंथ का होता है, उसे फिटस कहते हैं। वैसे जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है उसका कोई रोल नहीं है, ये 28 डेज वाला कोई चक्कर नहीं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये थोड़े आसान भी देते हैं लेकिन वो शुरू में जो इनका पैटर्न होता है वो कन्फ्यूज ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जो जो शुरुआत करते हैं या बिगन करते हैं वो करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन आपको पता है लुटिनाइजेशन करवाता है और जिससे रप्चर होता है फॉलिकल, ओव्यूलेशन करवाता है, और इसी से ही आपको पता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलेट होती है। वो इनिशिएशन की बात नहीं कर रहे, बिगन की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे रेगुलेट किससे होती है। अच्छा जी, हीमोफीलिया ए एंड बी, कलर ब्लाइंडनेस एंड टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन आर एग्जाम्पल। आप ये एग्जाम्पल है जी एक्स लिंक्ड रिसेसिव, इधर अगर आ जाते ना एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक हो गया, ये हमने पढ़ा जेनेटिक्स एंड वेरिएशन की बुक में, तो ये इसका आंसर हो सकता था, लेकिन उन्होंने वाई लिंक लिख दिया तो फिर इसको क्रॉस और इसके आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। विच ट्रेट आर मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्ट मैन देन वुमेन, तो ये होता है जी एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो होते हैं हीमोफीलिया ए और बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है ना, तो ये मैन को ज्यादा अफेक्ट करते हैं देन वुमेन, क्योंकि मैन होता है हेमीजाइगस और उसके अंदर एक्स लिंक्ड रिसेसिव सिर्फ एक एक्स के ऊपर रिसेसिव आ जाएगा तो वो उसको बीमारी लाहक हो जाएगी, लेकिन जो वुमेन है उसके अंदर एक रिसेसिव आ जाएगा और एक आ जाएगा जी डोमिनेंट या नॉर्मल आ जाएगा, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मल ही रहेगी, बस ये कि वो कैरियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है जी डैश एलील्स बोथ हैव एन इफेक्ट ऑन द फिनोटाइप ऑफ द हेटरोजाइगस ऑर्गेनिज्म। तो जो कोडोमिनेंस होते हैं वही इसका ऑप्शन है कि जो दोनों के ऊपर डोमिनेंट, आपको पता है कि डोमिनेंट एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, रिसेसिव वो होता है जिसके ऊपर डोमिनेंट गालिब एक आया होता है, और कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील एक अलहदा चीज है। ठीक हो गया, राइट। देन लास्ट क्वेश्चन है व्हेन बोथ एलील्स ऑफ जीन पेयर आर सेम द ऑर्गेनिज्म इज सेट टू बी हेट्रोजाइगस, नहीं क्या लिखा हुआ है सेम, तो फिर ये क्या होगा होमोजाइगस, होमोलोगस, ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था होमोलोगस ऑर्गन के अंदर। तो ये था आज हमारा बायोलॉजी का जो टेस्ट था एनएमडी का जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो टेस्ट है फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या इंग्लिश का वो आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज आती रहेंगी, तो तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और आपको कामयाबी से हमकनार करें, अल्लाह हाफिज़।